गजब का मैच हुआ आज केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का। और आप लोगों को याद होगा कल जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मुझे तो थोड़ा डर ही लग रहा था कि राजस्थान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान जीते, और उसमें मेरा रीजन सिर्फ ये था कि श्रेयस अय्यर की हरकतों की वजह से मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। ये जो छपरी गैंग का वाइस प्रेसिडेंट वो अभी बना है पिछले 3-4 महीने से, इसकी वजह से मुझे इससे चिढ़ है। अदरवाइज केकेआर की टीम को मैं पसंद करता हूं। दूसरी बात यह है कि मेरा फेवरेट गौतम गंभीर वहां का मेंटर है, तो मुझे तो कोई रीजन ही नहीं है केकेआर को लाइक ना करने का। लेकिन राजस्थान रॉयल्स में भी संजू सैमसन भी मेरा फेवरेट है, और दूसरी बात राजस्थान रॉयल्स शराफत से गेम खेल रहे हैं अभी, इस वजह से मैं ये चाहता था कि राजस्थान रॉयल्स जीते। दूसरी बात यह है कि टेबल के हिसाब से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जब नंबर वन और नंबर टू की टीमों के बीच में मैच हो तो लीग की टेबल को कोई फर्क पड़ता नहीं है, और इससे कोई उलटफेर होने वाला नहीं है। तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा एकेडमिक इंटरेस्ट वाला तो ये गेम नहीं था। बस ये है कि एक टीम एब्सोल्युटली 12 पॉइंट्स पे चली जाएगी तो वो तो ऑलमोस्ट फेवरेट हो गई है प्ले ऑफ में जाने के लिए, और उनको तो नंबर वन और नंबर टू बनने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद क्या होगा वो तो बात की बात है, वो तो हम सभी जानते हैं कि वो तो नर्व्स का गेम होता है। लेकिन आज के मैच में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई अभी अभी आप लोग कहेंगे कि मैं एक बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं, मुझे इस मैच को देखते हुए सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था रिकी पोंटिंग के ऊपर, सौरभ गांगुली के ऊपर। मतलब आप लोगों में से हमारे बहुत सारे नए व्यूअर्स भी होंगे तो उन लोगों को शायद मालूम नहीं होगा जो मैं पिछले 3-4 महीने से कहता चला आ रहा हूं। हमारे पुराने व्यूअर्स को मालूम होगी ये बात कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मतलब इन लोगों ने रोमन पॉवेल को कैसे जाने दिया। 19 दिसंबर को जो ऑक्शन हुआ था दिल्ली ने रोमन पॉवेल को कैसे छोड़ दिया, ये हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, और आज उसने प्रूव किया। देखिए आज जॉश बटलर ने सेंचुरी बनाई, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो शुरुआत की थी उसने ब्लास्ट करने की सुनील नारायण को, वो सुनील नारायण जिसके ऊपर अभी तक जितने मैचेस हुए हैं मेरे ख्याल से अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी उसके ऊपर। इतने इतने सारे मैचेस हो गए इन लोगों के, 6-7 मैचेस हो गए हैं, उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं मार पाया। छक्का मारना तो दूसरी बात है, और रोमन पॉवेल ने उसके उस ओवर में लगाए 2 छक्के और 1 चौका लगाया। बताइए आप ये यूटिलिटी है। और मैं तो पहले भी, और दूसरी बात यहां संजू सैमसन के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, ये पता नहीं इसको रविचंद्रन अश्विन में क्या दिखता है यार, ये रविचंद्रन अश्विन को क्यों ऊपर बैटिंग करने भेजता है। आप लोगों को याद होगा हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, इसने 3-4 मैच पहले भी रविचंद्रन अश्विन को ऊपर भेजा था बैटिंग करने, तब भी हम ये कह रहे थे कि भैया तुम उसको क्या समझते हो यार, रवि अश्विन ने अभी तक क्या कर दिया है। पिछले साल 1-2 मैचेस में आके उसने 8 बॉलों में 16 रन बना दिए यार, तो भैया ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन मैं बात वही कहता हूं कि क्या आपको बैट्समैन को देख के ये लगता है कि आप रवि अश्विन से ये उम्मीद करेंगे कि ये हर बार 8 बॉल में 16 रन बना देगा। अब एक बात मुझे बताएं कि रवि अश्विन से आपको ज्यादा उम्मीद है विस्फोटक बल्लेबाजी करने की, या फिर शिमरन हेटमायर, या फिर रोमन पॉवेल जो कि स्पेशलिस्ट इसी काम के लिए लिए गए हैं टीम में, और जो कि अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीमों के लिए करते रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए शिमरन हेटमायर ने पिछले ही मैच में किया था, और आप मतलब रवि अश्विन को आप ऊपर भेज देते हो, उसने कितनी बॉलें खराब कर दी। रविचंद्रन अश्विन ने क्या किया है आज आप देखिए, रवि अश्विन ने 11 बॉल में 8 रन बनाए हैं, बताइए आप। और ऊपर से ये आउट कब हुआ है, ये 12वें ओवर में आउट हुआ है, 12वें ओवर में आउट हुआ है जबकि स्कोर था आप लोगों का 121 रन। आपको 8 ओवर में 100 रन बनाने थे, और उसके पहले की 11 बॉलों में ये 8 रन का चूना लगा के गया आपकी टीम को। इसके बावजूद अगर संजू सैमसन को समझ में नहीं आए तो मैं क्या कह सकता हूं। मुझे ताज्जुब इसी बात पे होता है, ये लोग साथ में खेलते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, इन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता देख के कि यार ये आदमी क्या कर सकता है, या इन लोगों का जो असेसमेंट है किसी प्लेयर की हिटिंग एबिलिटी का वो इतना ज्यादा गलत है। हम लोगों ने तो टीवी पे ही देखा है ना रवि अश्विन को, हमने टेस्ट मैचेस में उसको 5-5 सेंचुरीज लगाते हुए भी देखा है,
लेकिन हमको तो पता है कि ऐसी सिचुएशन में रवि अश्विन को आप ऊपर नहीं भेज सकते हो, और वो भी केकेआर जैसी टीम के अगेंस्ट। अरे कोई दिल्ली टाइप की हो जहां मुकेश कुमार होल्डिंग अगर बॉलिंग कर रहा है तो आप रवि अश्विन को क्या, आप तो चहल को भेज दो यार, वो भी चौका मार देगा। लेकिन केकेआर जहां वो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, आप क्या सोचते हो रवि अश्विन जाके आपको 11 बॉल में क्या 35 रन बना के दे देगा? मतलब कितनी अजीब सी हरकत है ये संगकारा की और संजू सैमसन की, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये बहुत ही गलत काम किया है इन लोगों ने। अब उसके बाद देखिए कि जॉश बटलर के बारे में भी हमारे व्यूअर्स सब जानते हैं, हम अपने चैनल पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब ये शुरू के मैचेस में इससे बॉल बल्ले में कनेक्ट नहीं हो रही थी, ये बिल्कुल आउट ऑफ शॉर्ट्स लग रहा था, 2-3 मैचेस में तो ये 100 की स्ट्राइक रेट से नीचे रन बना के आउट हुआ है जॉश बटलर। तब भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जॉश बटलर के लिए हमारी सलाह ये है कि भैया तुम वहां टाइम स्पेंड करो, जब भले तुम वहां खड़े रहो, 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते रहो, तुम रन अ बॉल 25 रन बनाओ, लेकिन तुम वहां खड़े रहो। और जिस दिन इसने पहली सेंचुरी मारी थी उस दिन भी इसने यही किया था, शुरू में इसका वही चल रहा था स्कोर, 25 बॉल में 25 रन, और उसके बाद अल्टीमेटली इसने सेंचुरी बनाई थी, और आज भी इसके साथ यही हो रहा था, आज भी कोई ये बहुत विस्फोटक नहीं खेला, लेकिन यही हुआ कि वो टिका रहा और बाद में जाके उसको रियान पराग ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, फिर थोड़ा शुरुआत में तो खैर जायसवाल ने थोड़ा बहुत मारा, और उसके बाद रोमन पावेल ने जो सपोर्ट किया उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है, उससे बढ़िया पारी तो मतलब कौन सोच सकता है कि सुनील नारायण को इतनी बुरी तरह से कोई पीट सकता है, और इतने क्रुशल मोमेंट पे बहुत ही गजब की पारी रोमन पावेल ने खेली। और जॉश बटलर ने बाद में जो पोस्ट मैच इंटरव्यू किया उसमें उसने कहा भी, एक बड़ी अच्छी बात कही उसने कि देखिए मैं तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और मुझे फिजिकल भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वो इम्पैक्ट सब में भी आया था, और लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहा था तब उसने कुछ नाम लिया कि मैंने कोई बुक पढ़ी है या कुछ है जिसमें कहा है कि भाई यू हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ और अच्छा होगा, सब आगे अच्छा हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करते रहो। और उसने एक चीज और कही कि विराट कोहली और एमएस धोनी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, ये किस तरह से गेम को डीप ले जाते हैं, और कितनी उसने तारीफ की विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की, तो ये देख के तो हमको दोबारा गर्व होता है। देखिए जॉश बटलर अपने आप में कोई छोटा प्लेयर नहीं है, वो बीच में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई हो, वर्ल्ड कप में वो नहीं चल पाया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर खराब हो गया है, वो लीन पैच उसका थोड़ा लंबा हो गया, तो ऐसा हो जाता है प्लेयर्स के साथ। लेकिन जो पुरानी कहावत है कि भाई क्लास तो परमानेंट होती है ना, तो वो क्लास जब कभी ऐसे मौके आते हैं ना तो बड़े खिलाड़ी आपको ऐसे मौके पे ही मैच जिता के ले जाते हैं, और जब तक वो खड़े रहते हैं ना सामने वाली टीम के पास चांस नहीं रहता है, और सामने वाली टीमों को भी पता रहता है कि जब तक ये खड़ा है तब तक मैच हमारे हाथ में नहीं, और केकेआर को उसका स्वाद आज चखना पड़ा, और ये बहुत मुझे बहुत खुशी है जॉश बटलर के लिए। देखिए मुझे हर उस प्लेयर के लिए खुशी होती है जो शराफत से बात करता है, जिसका मैनरिज्म ठीक होता है, जो टीम प्लेयर होता है, और जो अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करता है, जो कोई हवाबाजी नहीं करता, जो हवा में उड़ने की कोशिश नहीं करता, फ्लेम बॉयंस नहीं दिखाता, कोई डांस डोंस नहीं, कुछ नहीं, बस उस तरह के प्लेयर्स मुझे पसंद है। और मुझे ही क्या, आई एम श्योर आप लोगों को भी वैसे ही प्लेयर्स पसंद होंगे। आज क्या रीजन है कि हार्दिक पांड्या या श्रेयस अय्यर या ये वो इनके छपरी गैंग का जो वो एक जूनियर प्लेयर है वो ईशान किशन, और एक नया मेंबर अभी आया है इनकी छपरी गैंग में, आप लोगों को मालूम है क्या क्या नाम है उसका? उसका नाम है ये सेन, क्या नाम है, कुलदीप सेन। आपको याद है अभी 2-3 मैच पहले जब इसको पहली बार लिया था राजस्थान रॉयल्स का, जो 5वां मैच था, टीम का नाम मैं भूल रहा हूं किसके अगेंस्ट था, उसके अगेंस्ट इसने जब 3 विकेट लिए थे तो ये शटअप कॉल दे रहा था, मतलब तुम कल पैदा हुए और आज विकेट लेने के बाद तुम शटअप कॉल देने लग गए, तो इसी को छपरी गैंग की निशानी बोलते हैं। ये इसी तरह के प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, ये इसी तरीके की हरकतें करते हैं, परफॉर्मेंस नाम पे जीरो। अब श्रेयस अय्यर को देखिए, कल मैं कह रहा था आपसे कि इसके बस की नहीं है, श्रेयस अय्यर के बस की, इसको कोई भी कप्तान अगर 10 रन से ज्यादा बनाने देता है ना तो उससे बड़ा मूर्ख कोई कप्तान हो नहीं सकता है। आज तो देख लिया आपने,
आज भले, लेकिन आज तो बहुत बड़ी स्ट्राइक रेट से खेला भैया, बहुत ज्यादा फास्ट खेला एकदम। 7 बॉल में 11 रन बनाए इसने, बताइए आप। आज जब सारे लोग पीट रहे थे, सुनील नारायण उधर से लगा हुआ था, तब भी जाके ये 11 रन पे आउट ही हो गया। आज इसके बस का है नहीं, ये तो इसकी किस्मत से लॉटरी लगी हुई है केकेआर की कप्तानी। अब मैं बता रहा हूं आपको, ये बाहर होगा। ये भले आईपीएल, ये जब तक आईपीएल टाइटल नहीं जीतेगा ना, तब तक इसकी कप्तानी बचेगी नहीं, इसको भगा देगा गौतम गंभीर अगले साल, और भगाना चाहिए। देखिए ये मेरिट के साथ कंप्रोमाइज है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं जो कप्तान बनाए जा सकते हैं केकेआर में। अरे यार, कप्तान का काम है भैया पहले परफॉर्म तो करो, कुछ तो करो यार। लेकिन ये है जो चिमटा हुआ है केकेआर के साथ, अभी तो ये गौतम गंभीर को करना पड़ेगा, और नहीं तो ऊपर से आएगा ऑर्डर की भगाओ इसको बेवकूफ कहीं का। और वो तो किस्मत इसकी अच्छी है कि इसको बाउंसर नहीं मारी किसी ने आज। लेकिन आप ये देखिए, बाउंसर की बात पे मैं आपको बताऊं, ये राजस्थान रॉयल्स ने इतनी घटिया बॉलिंग की है, सुनील नारायण को 195 के स्कोर पे पहली यॉर्कर डाली है जिसपे वो बोल्ड हो गया। हम कितनी बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले भी सुनील नारायण ने बहुत फोड़ा है बाकी टीमों को। हम हमेशा ये कहते रहे भैया, या कोई भी कप्तान सुनील नारायण को और श्रेयस अय्यर को अगर रन बनाने देता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई कप्तान हो नहीं सकता। और चलिए कप्तान की समझ में अगर नहीं आ रहा है तो बॉलर्स को तो समझ में आना चाहिए ना यार। बॉलर्स को नहीं समझ में आता, सुनील नारायण से तुम मतलब रन तो छोड़ ही दो, सेंचुरी बनवा दी तुमने यार, हद कर दी बिल्कुल यार। उसको 4 यॉर्कर डालने हैं यार, वो उसमें से एक में बोल्ड हो जाएगा वो, और आज पहली पड़ी उसी पे बोल्ड हो गया। वो समझ में नहीं आता, उसके बिल्कुल लप्पे जो चलाता है वो, उसके हाथ में आप उसके घुमा घुमा के दिए जा रहे हो बॉल, और वो लपेट जा रहा है एक ही तरह के शॉट्स। और एक और बहुत अच्छी बात हुई है आज, आप लोगों में से शायद कई लोगों को ये सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात हुई है। वो क्या हुई है वो मैं आपको बताता हूं कि हमारे देखिए यजवेंद्र चहल साहब ने दिए हैं 4 ओवर में 54 रन, और रविचंद्रन अश्विन ने दिए 4 ओवर में 49 रन, और ये वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स कहलाते हैं, ये इंडियन टीम के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। इससे पूछे कोई चिरकुट चंद्रन से कि भैया आज तेरे को क्या हो गया था, तू कहां बॉल फेंक रहा था? सुनील नारायण के डर के मारे ये वाइड पे वाइड फेंके चला जा रहा था, अब कहां घुस गई तुम्हारी स्पिन? जो दुनिया के बहुत बड़े स्पिनर माने जाते हो, तो अभी क्या किया तुम उसको जरा से लपेबाज को आउट नहीं कर पाए? क्या बड़ा ये, इसके बारे में इतनी हवा बनाई हुई है। आप लोगों में से जो नए व्यूअर्स हैं वो जरा मेरे पुराने वीडियोस देखें जाके, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये चिरकुट चंद्रन क्या है, ये इसकी जबरदस्ती हाइप क्रिएट की हुई है। अरे यार, आप सुनील नारायण से मार खा के चले आए, और देखिए मैं, यजवेंद्र चहल एक अच्छा बॉलर है लेकिन वो T20 की टीम में नहीं आना चाहिए, वो उसके लिए फिट नहीं है। आज आप लोगों ने देख लिया, तुमसे सुनील नारायण ही कंट्रोल नहीं हुआ यार, अश्विन और ये चहल, तो तुम बाकी बल्लेबाजों को क्या कंट्रोल करोगे यार? वो वर्ल्ड T20 में बहुत एक से बड़े एक कसाई आने वाले हैं, वहां तुमको कुचल के रख देंगे वो, इस तरह की बॉल करोगे तो। सुनील नारायण तो कुछ भी नहीं है यार, मारने वालों के सामने सुनील नारायण का तो नंबर कुछ भी नहीं है। तुमने 100 रन बनवा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि सुनील नारायण की वो क्लास हो गई। आप लोग उठा के देख लीजिए, उसका एक ही शॉट है, वो बस एक पैर उठा के और आगे मारता है, और आप उसको उसकी रीच में बॉल दिए चले जाओगे तो वो मारता चला जाएगा। ना तो उसकी बॉडी पे बाउंसर मारा है, ना यॉर्कर मारी है। अरे भैया, फिर वही बात, मैं तो ये अपने चैनल पे ये कह कह के मतलब मैं तो बेजार आ गया हूं कि भैया स्लोअर बाउंसर, तुम जितनी पेस दोगे सुनील नारायण जैसे बैट्समैन को, वो उतनी जोर से शॉट मारेगा, वो उसको तो बल्ला घुमाना है, और आप तेज पेस दिए चले जा रहे हो 140-145 की, वो बल्ले में लगी तो बाहर ही जानी है। 7 छक्के मारे यार उसने यार तुम्हारे मुंह के ऊपर, वो तुम मैच जीत गए वो बात अलग है। एक्चुअली ये इतना जाना ही नहीं चाहिए था मैच, इतना स्कोर नहीं होना चाहिए था, सुनील नारायण को पहले आउट करना चाहिए था इनको। खैर चलिए, अब बात कर लेते हैं मैच की। तो टॉस जीत के तो
राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग उनको दे दी केकेआर को, क्योंकि वो तो करना ही था इनको, इनको लग रहा था कि बाद में ड्यू आएगी और एक ड्यू आने का चांस लेना भी चाहिए। तो फिर फिल सॉल्ट आज नहीं चल पाया और ट्रेंट बोल्ट की देखिए पहली बॉल पे रियान पराग ने कैच टपकाया, क्या गंदी तरीके से कैच पकड़ने की कोशिश की उसने। खैर बाद में वो आवेश खान ने कर दिया उसको आउट, बहुत ही अमेजिंग टाइप का कैच चिपक गया उसके हाथ में। सुनील नारायण 56 बॉल में 109 रन ठोक दिए। अब क्या हो सकता है इनका, फिर ये तो कहानी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अंग्रेश रघुवंशी ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं आई वुड वॉन्ट हिम टू गो फर्दर अहेड इन हिज करियर। मैं चाहता हूं कि ऐसे बैट्समैन जो है वो मतलब टेक्निकली भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और टेम्परामेंट भी उसका अच्छा है, वो सिचुएशन की सीरियसनेस से या सिचुएशन की टेंसनेस से वो ओवरवेलम नहीं होता है और वो अच्छी पिटाई करता है, बहुत बढ़िया सारे शॉट्स हैं उसके पास, सब अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, टेक्निकल, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, उसका कंपोजर बहुत अच्छा लगता है क्रीज के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो आगे जाएगा और हम तो प्रे करते हैं कि आगे जाए, अच्छा है इंडियन टीम में आए। उसके बाद अपने मंगूलाल अय्यर 7 बॉल में 11 रन, बेवकूफ, बहुत ही नालायक टाइप का आदमी है। फिर उसके बाद आंद्रे रसेल के पास एक्चुअली टाइम था ही नहीं, अब क्या मतलब बॉल्स बची नहीं थी, अब उसको तो आते साथ ही मारना था, हो गया आउट। फिर रिंकू सिंह, लेकिन रिंकू सिंह ने वही किया जो रिंकू सिंह हमेशा करता है, 9 बॉल में 20 रन, वाह शाबाश। वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, इन सब लोगों के पास तो बॉल्स बची नहीं थी, कुल मिला के इन लोगों ने 223 रन बनाए 6 विकेट पे। और इसमें देखिए कल्प्रिट यही है, दोनों के दोनों ये अपने अश्विन और चहल, इन लोगों ने बहुत ज्यादा गंदी बॉलिंग की है, बहुत ही हद से ज्यादा गंदी बॉलिंग की। अब देखिए इन लोगों का पहला विकेट गिरा था चौथे ओवर में फिल सॉल्ट, फिर उसके बाद अंग्रेश रघुवंशी 11वें ओवर में आउट हुआ 106 रन के स्कोर पे, फिर उसके बाद अपना अय्यर आउट हुआ 13 ओवर में 133 रन पे। तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब आप ये देखिए 11-2 ओवर में इन लोगों ने 27 रन बनाए, उस टाइम तो सुनील नारायण लगा ही हुआ था मारने पीटने में। फिर चौथा गिरा है आंद्रे रसेल का 17वें ओवर में 184 पे, पांचवा 195 पे सुनील नारायण। देखिए मैं वही कह रहा था कि 195 के स्कोर पे इन्होंने पहली यॉर्कर डाली है जो ट्रेंट बोल्ट ने डाली, उस पे वो बोल्ड हो गया, ये पहले ही डाल देते भैया तो इतना स्कोर नहीं होता, इतनी मुसीबत नहीं होती। फिर 4 ओवर में 31 रन ट्रेंट बोल्ट ने दिए, आवेश खान ने 35 रन देके 2 विकेट लिए, कुलदीप सेन 4 ओवर में 46 रन। अब नहीं दिया शटअप कॉल तूने बेवकूफ कहेगा। चहल 4 ओवर में 54, अश्विन 4 ओवर में 49, वाह शाबाश। तो कुल मिला के इन लोगों ने 103 रन देके 1 विकेट लिया है 8 ओवर में, क्या यार शर्म करो दोनों नालायकों, इनको भैया लेके मत चले जाना कहीं वर्ल्ड कप में आप लोग, मैं बता रहा हूं आपको, इनके चक्कर में मत पड़ना, ये अगले मैच में कहीं रन कोई विकेट विकेट ले ले इनको मिल जाए अगर धोखे धड़ाके से, तो आप सोचो कि अरे यार ये तो ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सुनील नारायण ने धुलाई की है ये याद रखना आप, इसके बाद ये कुछ भी कर ले इनसे सुनील नारायण ही कंट्रोल नहीं होगा। और अभी देखना वेस्ट इंडीज की टीम में मिलेगा ये, इस बार तो वो रोमन पावेल कप्तान है वेस्ट इंडीज टीम का, वो बाद में कह भी रहा था कि मैं तो इसके पीछे पड़ा हूं, मैं सब तरफ से जोर लगा रहा हूं, सब तरफ से सोर्स लगा रहा हूं कि इसको कि भैया आ जा टीम में खेल ले वर्ल्ड कप की, ये आएंगे तो बहुत मुसीबत कर देंगे ये टीम, वेस्ट इंडीज की टीम नाक में दम करेगी सबकी वर्ल्ड कप में, अभी तो आप देखते जाओ। फिर उसके बाद जब इनकी शुरू हुई राजस्थान की बैटिंग तो यशस्वी जायसवाल 9 बॉल में 19 रन। अब लेकिन ये है कि ये आ गया है टेंशन में, और टेंशन में इसको होना भी चाहिए, ये इसका स्कोर नहीं आ रहा है, ऐसे काम चलेगा नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है 9 बॉल में 19 रन, बॉल तो बर्बाद नहीं की ना, नहीं तो अश्विन की जगह, अश्विन की तरह या ये श्रेयस अय्यर की तरह बॉलें बर्बाद करके चला जाए, उससे तो अच्छा ही। रियान पराग ने अच्छा रन बनाए 14 ओवर में 14 बॉल में 34 रन, ये इसका रियान पराग का देखिए मैनरिज्म रियान पराग का अभी भी वैसा ही है, थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप का, और लेकिन फिर कम से कम ये है कि ये परफॉर्म तो कर रहा है ना, तो बात वही है। देखिए दुधारू गाय की लात सभी खाते हैं, अब आप रन बना रहे हो तो आपका एटीट्यूड हमको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन आप एटीट्यूड भी दिखाओ
वो रन भी ना बनाओ ना बॉलिंग करो हार्दिक पांड्या की तरह या मंगूलाल अय्यर की तरह, तो फिर फायदा क्या है यार? फिर तो लात पड़नी फिर को लाजमी है ना, पड़ेगी लात, ये समझना चाहिए प्लेयर्स को। वैसे तो बेस्ट ये है कि यार पोलाइट रहो, मॉडेस्ट रहो, लो प्रोफाइल मेंटेन करो। अब मतलब सारे लोग, सभी प्लेयर्स बड़े हैं वहां, ऐसा कौन है कि आप कोई बिल्कुल डॉन ब्रेडमैन बन गए हो? तो सारे प्लेयर जब एक ही कैलिबर के हैं, बल्कि आपसे अच्छे अच्छे कैलिबर के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो जरा औकात में रहो और सबके साथ प्यार से बात करो और ढंग से रहो। क्या एटीट्यूड दिखाने की जरूरत है? समझ में नहीं आता ये, इनको इनके पेरेंट्स को बताना चाहिए इन लोगों को कि तुम क्या कर रहे हो ये। फिर जब कभी परफॉर्मेंस खराब होगी तो अकेले पड़ जाओगे और फिर डिप्रेशन में चले जाओगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्रुव जुरेल बेचारा, ध्रुव जुरेल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया है। ध्रुव जुरेल को लग रहा है कि वो विकेट कीपिंग के लिए वर्ल्ड कप की टीम की रेस से थोड़ा बाहर जा रहा है। अब वो जाएगा ही बाहर, परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो 4 बॉल में 2 रन, वो गलती से फंस गया नारायण के सामने। और ऐसी सिचुएशन में जबकि मारना पीटना है, फिर अश्विन ने लेके कबाड़ा कर दिया, 11 गेंदों का कबाड़ा किया अश्विन ने, बर्बाद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार से इसको ऊपर नहीं भेजा जाएगा। शिमरन हेटमायर आज बहुत दिनों बाद मैंने उसको फेल होते हुए देखा है, पहली बॉल पे ही आउट हो गया वो, और वो वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे दे दिया उसने कैच। ऐसा हो जाता है कभी कभी, अब हर बार तो नहीं चल सकता ना आदमी। लेकिन आप ये देखिए, शिमरन हेटमायर, रोमन पॉवेल, ये दोनों अश्विन के आगे आए हैं। अब बताइए यार, ये दोनों को पहले आना चाहिए था अश्विन से यार, क्या ये बेवकूफी का डिसीजन है यार। अब वो जो 11 बॉलें खराब करके गया है, उसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर आया ना। ये लोग पहले आए होते तो इनके पास सेट होने का टाइम रहता, या पहले ही मैच खत्म कर देते। ये तो राक्षस जिस टाइप के हैं वेस्ट इंडीज के, ये पहले ही खत्म कर देते अब। लेकिन 11 बॉल तो चक्रम चंद्रन खा के चला गया, अब क्या करेंगे? वो प्रेशर तो आया ना इनके बेचारों के ऊपर। फिर आखिरी में तो मतलब गजब ही हो गया। आखिरी में तो आपको पता है, इन लोगों को 5 ओवर में 79 रन चाहिए थे, 15 ओवर में इनका स्कोर था 145/6 राजस्थान रॉयल्स का। और उस टाइम बटलर खेल रहा था, बटलर के साथ फिर अगला ओवर जो इसने फेंका है रसेल ने, 17 रन टोक दिए उसमें। मतलब इनको तो 5 ओवर में देखिए 79 रन, मतलब ऑलमोस्ट 16 का ही हो गया ना, 15.8 का आस्किंग रेट हो गया उसके बाद। लेकिन इन लोगों ने कंटिन्यूअसली 16-17 रन बनाए, और आखिरी में ये 18 ओवर में इनका 196/8 हो गया था, जब ये आपका ये आउट हुआ, कौन आठवां कौन आउट हुआ है इनका, रॉबिन सातवां आया है, बोल्ट। बोल्ट जब आया तो 18वें ओवर में इन लोगों का 196 स्कोर था, और हालांकि उसमें भी वो हमारे मिचेल स्टार्क ने फेंका, मिचेल स्टार्क को पड़े थे उसमें 18 रन। स्टार्क फिर से औकात पे आ गया, आज फिर 4 ओवर में 50 रन दिए नालायक ने, और एक भी विकेट नहीं मिला इसको। अच्छा है, इनकी ऐसी मिट्टी पली होनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये ब्लेम सीधा सीधा गौतम गंभीर के ऊपर जाएगा कि तूने साले 25 करोड़ दिए हैं इसको, 3 मैचों में ये 50 रन पिटवा चुका है 4 ओवरों में मिचेल स्टार्क, और एक पिछले मैच में ही 3 विकेट लिए थे, उसके अलावा कुछ है भी नहीं इसकी परफॉर्मेंस। बहुत भारी पड़ेगा ये गौतम गंभीर को, ये इसको संभालना। उसके बाद 19वें ओवर में देखिए फिर 19 रन ठोक दिए इन लोगों ने, वो फेंका हर्षित राणा ने, जिसने मार मार के इसको इसकी हालत खराब कर दी। बहुत ही बढ़िया काम हुआ। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे इनको, वरुण चक्रवर्ती की पहली बॉल पे ही जॉस बटलर ने छक्का मार दिया, और फिर तो आपको पता है 3 डॉट हो गई। फिर अगली चौथी बॉल, 5वीं बॉल पे 2 रन लिए, लास्ट बॉल में इनको 2 रन चाहिए थे, तो 1 रन चाहिए था तो ले लिया इन्होंने। तो इस तरह से मैच राजस्थान जीत गया। मैच तो बहुत मजेदार हुआ, राजस्थान जीती तो हमको मजा भी आया। टेबल टॉप में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, टेबल टॉप में KKR नंबर 2 पे आ गई, राजस्थान रॉयल्स क्लियर कट नंबर 1 है। तो अब देखते हैं, अब कल का जो मैच है वो है राजस्थान, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। अब ये मैच में मुझे लगता है कि देखिए, अब आज का मैच देख के वैसे तो रिकी पॉन्टिंग और गांगुली बिल्कुल मेरे ख्याल से बाल्टियों से भर के रो रहे होंगे आंसुओं से कि ये रोमन पॉवेल को हमने क्यों छोड़ा होगा, और किसके लिए छोड़ा यार, तुम्हारे पास मिडल ऑर्डर में कोई है ही नहीं और तुमने इसको भी जाने दिया। यार कितनी बेवकूफी का डिसीजन है यार।
ये कैसे करते हैं यार ये लोग, इनको कौन कहेगा यार कि इन्होंने क्रिकेट खेली है। और ये बताइए वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, वर्ल्ड कप फाइनल खेले हुए, दोनों के दोनों ओवर जीत, पॉन्टिंग तो दो दो बार जीता भी हुआ है, गांगुली हमारे फाइनल के रनर अप है, और ये ऐसा कर रहे हैं कि रॉबिन पावल को जाने दिया, इधर मिडिल ऑर्डर साफ हो गया दिल्ली का, मिडिल ऑर्डर को कोई है ही नहीं, अब क्या करेंगे, तो कहीं ललित यादव को खिला रहे हैं तो कहीं किसी को खिला रहे हैं, ये तो हालत करके रखी है इन्होंने। उसके बाद अब फिर भी लेकिन देखिए आरसीबी से तो ऊपर ही है पोजीशन में कंपटीशन तो देखिए ये है, मतलब कि आरसीबी में और दिल्ली में है कंपटीशन की, दसवें पे कौन रहता है और नौवें पे कौन रहता है, क्या यार बिल्कुल, दे हैव एक्चुअली बिकम अ लाफिंग स्टॉक बोथ दीज टीम्स, दिल्ली एंड आरसीबी। और अभी पंजाब इस ये जिसको कहते हैं ना कि जोकर पने की रेस से अभी बाहर है, क्योंकि पंजाब थोड़ी ऊपर है, अदरवाइज पंजाब भी लगी रहती है, पंजाब भी इस तरह से फाइट करती है, ये पंजाब आरसीबी और दिल्ली ये तीनों आपस में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा घटिया टीम कौन सी है इस बार देखते हैं कि कौन सी आती है। तो अब कल के मैच में देखिए दिल्ली, और दिल्ली जो पिछले कुछ मैचेस खेल रही है इनकी बैटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है, अब अगर डेविड वार्नर अगर चल जाएगा ना तो गुजरात की बॉलिंग जो है वो अभी थोड़ी सी एक्सपोज हो गई है, सिवाय वो दो स्पिनर्स के कोई चल नहीं रहा है, और आपका ये जो मोहित शर्मा का जादू खत्म हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट 50-50 का ही मामला है, मैं इसमें क्लियर फेवरेट किसी को नहीं कहूंगा, क्योंकि बॉलिंग ये लोग ठीक ठाक कर रहे हैं दिल्ली वाले जैसा भी है, और अच्छा है ये मुकेश कुमार होल्डिंग को ना खिलाएं, उसको खिलाए तो ये पक्का हार जाएंगे, और बाकी गुजरात के जो बैट्समैन हैं वो खेल तो रहे हैं लेकिन कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा एक्सप्लोसिव खेल नहीं दिखा रहे वो कि दे विल रन अवे विद द मैच, इस तरह का वो गेम नहीं खेला रहे, ऐसा नहीं होगा कि गुजरात कभी 240 रन बना दे, ऐसा डर आपको गुजरात से कभी नहीं रहेगा, वो वही बनाएंगे 180-195, बहुत हुआ तो 200 के ऊपर भी जाने का मुझे तो बिल्कुल उम्मीद गुजरात से है नहीं, इतना उनके बल्लेबाजों के हाथों में दम नहीं लगता है मुझे तो, रहा साहब वो डेविड मिलर भी वो अनफिट चल रहा है उनका, अगर वो होता तो वो फिर भी कुछ फट्टे वट्टे चला देता है, बाकी तो और कोई इनके यहाँ है नहीं है सर, तो इसलिए मुझे लगता है, और दिल्ली वाले थोड़ा मार मूर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का थोड़ा सा पलड़ा बाहर भी रहेगा, मैं ये समझ लीजिए कि 51-49 का मैं दिल्ली के फेवर में कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जीटी जीते, तो अब देखते हैं कल क्या होगा मैच के बारे में, मिलेंगे अपन मैच के बाद। और अभी अगर अपन पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में तो खैर वही है, कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, पॉइंट्स टेबल में तो अपने राजस्थान रॉयल्स नंबर वन पे आ गई है, केकेआर इसके है, फिर एसआरएच चौथे नंबर पे है, फिर लखनऊ पांचवें पे, गुजरात छठे पे, सातवें पे पंजाब, आठवें पे मुंबई, नौवें पे डीसी और दसवें पे आरसीबी। तो अब देखिए क्या होता है, अब कल मिलेंगे हम इन दोनों के मैच के बाद और डिस्कस करेंगे क्या होता है मैच में। आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप अपने कमेंट्स भी भेजिए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, काफ़ी लोग अच्छे मज़ेदार कमेंट्स भेजते हैं और इंटेलिजेंट कमेंट्स भी भेजते हैं, और मुझे खुशी है कि आप लोग भी अप्रिशिएट करते हैं जो कि जो जिस तरह का गेम होता है, तो वो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि आप लोगों को भी काफ़ी एक्सपीरियंस और नॉलेज काफ़ी है, तो आई ऑल्सो लाइक रीडिंग योर कमेंट्स, सो प्लीज़ कीप ऑन सेंडिंग योर कमेंट्स, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो आफ्टर द मैच बिटवीन डीसी एंड जीटी, एंड आई एम विकास सक्सेना द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।